वक्त की बड़ी खबर बच्चन परिवार को लेकर। पनामा पेपर लीक मामले में ईडी ने ऐश्वर्या राय बच्चन को समन जारी किया है। पनामा पेपर लीक का ये पूरा मामला तो इस वक्त की बड़ी खबर है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज किया था। पनामा लीक मामले में ऐश्वर्या बच्चन को अब ईडी ने समन जारी किया है। उनसे पूछताछ करेगी ईडी की टीम। जल्द ही और भी परिवार के सदस्यों को नोटिस भेजा जा सकता है, ये भी जानकारी। दुनिया का ये बहुचर्चित मामला पनामा पेपर्स मामला, जिसमें बच्चन परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज ऐश्वर्या राय बच्चन को नोटिस भेजा गया है। दिल्ली के लोकनायक भवन में ईडी के सामने उन्हें पेश होना है। रोमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रोमान, ये बेहद बहुचर्चित पूरी दुनिया का ये मामला जिसमें बच्चन परिवार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। देखिए, बिल्कुल, बच्चन परिवार के किसी सदस्य को ऐसा फैसला है कई बार है जब पनामा पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने समन इश्यू किया। 11:30 बजे ऐश्वर्या राय को खाय मार्केट स्थित प्रवर्तन निदेशालय होकर अपना पक्ष रखना है। दरअसल पनामा पेपर लीक मामले में 500 के करीब भारतीयों के नाम आए थे, अभिनेता और राजनेता शामिल थे। और इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ही प्रवर्तन निदेशालय ने सीएमएलए के तहत एक मामला दर्ज किया था। और उसी सिलसिले में अब जांच की आज हरिद्वार तक पहुंची है और ऐश्वर्या राय बच्चन को इस पूरे मामले में समन जारी किया गया है और आज उनको ईडी के सामने पेश होना है।